बताओ मट्टी में कहाँ क्या तक है? करवा लिया परसों तक था? सिर्फ अमन को निकाल दो। कुछ आइए अमन, काम तो ऐसे ही कर रहा है। ये भी कुछ क्वेश्चन दिए थे सॉल्व करने को। नहीं सर, लास्ट क्वेश्चन क्या करवाया था? बतियाते क्वेश्चन या टॉपिक टाइम रिलेटेड हैं अरे रिंग ऑफ मास एम एंड रेडियस आर, देयर इज अ वेरी स्मॉल गैप। होना। अबे तुम वो बोलो मत, तुम्हारी टनल आवाज वाला नहीं आ रही है। क्वेश्चन लास्ट तुमने था, टनल वाला। स्पीड नहीं निकाली सेंटर पे, बोला ओह क्वेश्चन था था ना वो। स्पीड निकालने को। ऐसे ओहो चलो 3 क्वेश्चन ले लो, करना, फिर उसका आप आंसर बता दो, हम फिर बाद में मैच कर पढ़ते भी लेंगे। होगे तुम। ये बताओ क्लास से पहले, भाई तुम्हें पता आज क्लास है तो उससे पहले लास्ट क्लास में पढ़ाया, जो पढ़ते भी हो कि नहीं पढ़ते हो? हाँ, या हाँ बस सर, ऐसे ही मतलब आज खत्म क्लास, कॉपी डाली साइड में, दोबारा जब क्लास होगी तभी खुलती है वो? डेली का डेली नहीं पढ़ते हो ना तुम लोग? नहीं तो पता होता तुम्हें क्या निकालना है। निकालना, निकाल के लाओगे तब आंसर बताऊंगा। अभी क्यों बताऊं? निकालोगे तो बताएंगे, नहीं तो नहीं बताएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल। ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ, जिसको जी से रिप्रेजेंट करेंगे अपन, है ना? अब आई की जगह अपन जी से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये अर्थ जी के स्मॉल ग्रेविटेशन, जी है। स्मॉल जी, हाँ स्मॉल जी है ये। मान लो ये हमने अर्थ कंसिडर किया। अच्छा एक बात ये मान लेना अभी थोड़े देर के लिए कि अर्थ हमारा जो है वो क्या है, स्फेरिकल है। सॉलिड स्फीयर तो मानते ही मानते हैं, बट स्फेरिकल मानना है इसे ना। वैसे स्फेरिकल है नहीं, बट स्फेरिकल मानना, इसकी कैलकुलेशन के लिए वरना नहीं होगी। फिर यहाँ पे कोई पॉइंट मास है एम नॉट, उस पर आपको, या पॉइंट पी है सरफेस पे, पॉइंट पी है उस पे आपको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा? सॉलिड स्फीयर की सरफेस वाला फॉर्मूला लग जाएगा, है ना? तो एट सरफेस जी इक्वल टू, फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे? जी एम ई डिवाइडेड बाई आर ई का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट सरफेस, जी एस इसे बोलते हैं। यही आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलेशन होता है एक्चुअली में, बराबर ही होते हैं। ऑल्सो अपन मास को क्या कर सकते, अरे यार ये सुबह भी कर्सर अटक गया था, क्या हो गया? ऑल्सो मास को क्या लिख सकते हैं? अरे भाई चलना भाई, क्या है? क्या हुआ सर? अरे कभी कभी अटक जाता तो हमारा। अभी वापस अटक गया। एम को क्या लिख सकते हैं अपन? मास को क्या लिख सकते हैं? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है ना, तो डेंसिटी मान लो, अगर आपने रो डेंसिटी कंसिडर कर रखी है, इसकी डेंसिटी मान लो रो है, तो इसे लिख देंगे रो इंटू 4/3 पाई आर e³। इसकी वैल्यू अगर पुट कर देंगे मास ऑफ अर्थ की यहाँ पे, तो जी एस का एक और फॉर्मूला मिल जाएगा। इसको मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिख लेते हैं अब। तो एक तो जी एम ई डिवाइडेड बाई आर ई का स्क्वायर होगा, और दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा 4/3 पाई g रो इंटू आर ई। ये दो फॉर्मूले होते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ। अरे यार क्यों अटक रहा है इतना ज्यादा? नोट कर लेते हैं। ठीक है, पढ़ना लिखना स्टार्ट कर दो, टाइम नहीं बचा है तुम्हारे पास। थोड़े दिनों में दिवाली आ जाएगी और एग्जाम आ जाएंगे जनवरी में, सर पता भी आपको नहीं न्यूज लगेगा मिली टाइम किस। कौन सी न्यूज़ मिली? हमारी टेस्ट की? नहीं हमारी टेस्ट इस संडे नहीं है, संडे संडे को को नहीं है, अगले संडे को हो जाएगी। सिलेबस वही है, अगले नहीं संडे को है, मैं हूँ नहीं यहाँ पे। हाँ अगले संडे को नहीं, अगले थर्सडे को है। जब भी है सिलेबस वही है ना, देखो है ना? बिकॉज आपका जो आप अर्थ नहीं है, हो। अर्थ इज सेम लाइक सॉलिड स्फीयर, तो इसके जो एनालिसिस होते हैं
वो सारे के सारे एनालिसिस वैसे होते हैं जैसे अपन सॉलिड स्फीयर के लिए करते हैं, और तो टेस्ट इसमें आपको संडे को ठीक थर्सडे ही को से क्या वैल्यू, फर्क पड़ेगा ये बताओ। फर्क कोई फर्क नहीं पड़ा तो नंबर तो उतने ही आने जितने आएंगे, क्योंकि ये वजह पर बहुत बार फर्क पढ़ाई पड़ता तो है। तुम उतनी करोगे जितना करते हो। प्रॉब्लम ये है कि थर्सडे को हमारा स्कूल का एग्जाम होगा सुबह, शाम को ये होगा। वो तो एक बहाना मिल गया कि टेस्ट में कम नंबर क्यों आए, क्योंकि स्कूल का एग्जाम था ना, अगर मिल बहाना गया एक सर बहाना। ये नहीं, अगर हमें बहाना देना होता तो अभी नहीं बोलते ना, तब तभी डायरेक्ट बोलते। देखो पढ़ाई चली, मैं कितने चैप्टर कंप्लीट कर लिए? हाँ एनसीईआरटी में सर एनसीआरटी के अच्छा थोड़ी ना टेस्ट है, एडवांस का टेस्ट है, एनसीआरटी में कितना एडवांस के टेस्ट पढ़ना में एक साल के था। सारे कर हाँ लिया है। इसको पूछ रहा हूँ, सबको ही पूछ रहा हूँ मैं कि किसने कितना कितना कंप्लीट कर लिया है। अरे आप तो सुबह रिवीजन करवाओ तो वो तो साथ साथ। हम तो पढ़ ही रहे आपके साथ चैप्टर, हमें तो याद है। पढ़ा तो होगा ना टेस्ट के लिए। चैप्टर 2 के PYQ या अभी वेट कर रहे ये हो हो कि सैटरडे आएगा, सैटरडे को देख लेंगे। हाइट के साथ वेरिएशन निकालना है, वेरिएशन ऑफ वेरिएशन ऑफ जी कंफ्यूजन क्यों रखा है, कंफ्यूजन ही हो गया। नहीं, लिखते ही जी है, हम क्या करें फिर, वहां कंफ्यूज हो गए जब वहां आएगा तब। ठीक है, हाँ ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी और वो क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन दोनों ग्रेविटेशनल सेम होता एक्सेलेशन है। बराबर ही है, वो जीएमई बाई आर स्क्वायर ही होता है एक्सेलेशन, इसलिए अब ये जी में वेरिएशन, हाँ ग्रेविटेशनल एक्सेलेशन में वो निकाल रहे अपन वेरिएशन। अब ये इलेक्ट्रोस्टेट वाला पार्ट खत्म हो गया ना, अब अब अकेला अकेला इलेक्ट्रोस्टेट, नया नोवेला। अब स्टार्ट हो गया आपका ग्रेविटेशन एक तरीके से देखा जाए तो। अब आप इसको उड़ा नहीं पाओगे ऐसे बोल के इलेक्ट्रोस्टेट्स नहीं मैं फिर भी उड़ा दूंगा। पहले पढ़ चुका है ऐसे। देखो तो वो उड़ाओ नहीं उड़ाओ क्या फर्क पड़ना है, सर पता फर्क है तो कोई पड़ता फर्क है ना, पड़ता है क्या फर्क पड़ता है बता। पड़ता है एक सर। पॉइंट कंसीडर करो एच हाइट पर सरफेस से, कंसीडर अ पॉइंट एट हाइट एच, है ना, समझ रही बात ये, हाइट एच, रेडियस वगैरह मान रखी है अपन ने, आर ई मास मान रखा है। ठीक है, अब आपको इस पे क्या निकालना है, ग्रेविटेशनल एक्सेलेशन निकालना है बेसिकली, और क्या है। तो फॉर्मूला क्या होता है, जी इक्वल टू जी एम ई डिवाइडेड बाई आर ई स्क्वायर, ये का सरफेस के लिए था। स्क्वायर हाइट एच पे टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, मतलब आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर ई प्लस एच हो जाएगा टोटल यहाँ से आता। अच्छा हाँ मेरे को एक बात का आंसर देना, अगर तुम्हारा टेस्ट 1 महीने में एक बार रखा जाए और 1 वीक में हाँ एक बार रखा जाए, तो किसके लिए तुम ज्यादा हाँ पढ़ाई करोगे, किस टेस्ट में तुम ज्यादा पढ़ाई करोगे? हाँ महीने वाले में, क्योंकि उसमें वाले टाइम ये बिल्कुल सोच समझ के बोलो, तुम खुद अपने मन से वो ऐसे ऊपर ऊपर से मत बोलो। वीक में होगी मेरे महीना ख्याल महीना से, सर। वीक के लिए, वीक के लिए महीने में ज्यादा पढ़ोगे सही या बताया, 1 वीक में ज्यादा पढ़ोगे? मतलब पढ़ेंगे महीने में ज्यादा, पर वो 1 महीने तक एक एक वीक पढ़ेंगे में टोटल ज्यादा हो जाएगा। टेस्ट के लिए किस में ज्यादा पढ़ोगे तुम, टेस्ट के लिए ज्यादा प्रिपरेशन किस में करोगे, 1 महीने वाले टेस्ट के लिए ज्यादा करोगे या वीक वाले के लिए? सर वीक 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 वाले के लिए। वाले तो जितना टेस्ट ज्यादा गैप में होता है उतना बच्चा कम पढ़ाई करता है टेस्ट के लिए, ये फैक्ट है बात। तुमने किया, चलो ये बताओ तुमने 15 दिन में, मैंने पहले दिन से, पहले नहीं इससे भी बहुत पहले से बता दिया था कि टेस्ट तुम्हारा किस सिलेबस का होगा, कितने लोगों ने पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी जिस टाइम से?
और कितने लोगों लोग अब सोच रहे हैं कि अब हम स्टार्ट करेंगे पढ़ाई करने का, तो खुद सोच लो, मतलब खुद अपने आप से पूछ लो ये बात, पता लग जाएगा तुम्हें। इसलिए जिस दिन से पता लग जाए ना कि टेस्ट है, प्रिपरेशन उस दिन से ही स्टार्ट होनी चाहिए, तब जाके ही नंबर आएंगे, वरना फिर तुम ऐसे ही बोलोगे कि ये सब्जेक्ट टफ है, ये क्वेश्चन नहीं होते हैं, कैसे हो पाएंगे तुमसे जब तुमने उसके लिए मेहनत ही नहीं करी है। तो इसलिए मेहनत करो बेटा, एक ही साल है तुम्हारे पास, ये साल दोबारा नहीं आएगा तुम्हारे लिए, तो थोड़ा अपनी लाइफ को सिस्टमेटिक बनाओ और टेस्ट को सीरियसली लो, कहने का मतलब कोई है। तो एक बात पूछूं इससे रिलेटेड है सर, सर मतलब ये ऐसे करना तो चाहते हैं तैयारी, लेकिन कभी कभी ऐसे मतलब ये बोर्ड जे ही सबका होमवर्क ये करते करते फिर टाइम मतलब ऐसे मैनेज नहीं हो कर पाते कभी कभी। नहीं देख, टाइम की कमी तो हर उस बच्चे के पास है जो तुम्हारी एज में तुम्हारे क्लास में है ना, इंडिया का वो हर बच्चा जो तैयारी कर रहा है जेई की एडवांस की, टाइम तो सबके पास बराबर ही है, पर कोई बहुत अच्छे से मैनेज कर रहा होगा और कोई मैनेज नहीं कर पा रहा होगा, वो तो फिर भी सोच रहा है कि चलो ठीक है इतना सारा कर लेता है। कुछ बच्चे तो सोचते होंगे अरे यार 24 ही 2 घंटे हैं तो बहुत कम पढ़ रहे हैं, है कि नहीं है बात ये। तो टाइम तो अपने आप को खुद को मैनेज करना पड़ता है बेटा, कि हम कितना मैनेज कर रहे हैं टाइम को, कभी कभी हो सकता है वाकई में कम पड़े, अगर तुम सिस्टमेटिक प्लान से चलो तो मेरे हिसाब से टाइम मैनेज हो जाएगा, बट प्लानिंग करना जरूरी है उसके लिए, उसके लिए प्लानिंग करना जरूरी है। प्लानिंग करना ये जरूरी है कि हमें इतने दिन में इतने चैप्टर कंप्लीट करने हैं, अब प्लानिंग करने लग जाओ, मैं तुम्हें बोलवा आज के जून हो गया है ना, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, प्लानिंग करने लग जाओ बेटा अभी से ही, 11th के चैप्टर पैक करने लग जाओ कि ये चैप्टर मेरे को अच्छे से आता है, पैक कर दो उसको, कि टेस्ट लेंगे कभी तो ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 घंटे के रिविजन की जरूरत है उस चैप्टर में, इसमें हो जाएगा। जब आप जनवरी में दिसंबर में पहुंचोगे तो आपको ये समझ नहीं आएगा कि हम पढ़े क्या, आप 11th का पढ़े 12th का पढ़े, जो सब्जेक्ट आता है उसे पढ़े या जो नहीं आता है उसको पढ़े, दुविधा में फंस जाओगे तुम। फिर ऐसे होगा, अभी तो टॉपिक छोड़ते होंगे तुम कि ये टॉपिक नहीं आता ये छोड़ देता हूँ मैं, तब तुम चैप्टर छोड़ोगे, फिर इस चैप्टर छोड़ देते हैं अभी, फिर थोड़े दिनों बाद तुम सब्जेक्ट छोड़ने स्टार्ट कर दोगे कि अब ये वाला सब्जेक्ट नहीं हो रहा है इसको छोड़ देते हैं अपन। और कुछ टाइम के बाद कुछ बच्चे मन में मूड बना लेते हैं अब हम जेई नहीं देंगे, ये हर साल होता है, हम तो हर साल देखते हैं बच्चों को, इसलिए तुम्हें पहले से मैं बता रहा हूँ कि ऐसा होगा, है ना, ऐसा तुम्हारे साथ ना हो उसके लिए अभी से बचने का तरीका है कि अभी से प्लानिंग स्टार्ट करो कि टेस्ट के बहाने या किसी के बहाने 4 चैप्टर का टेस्ट हो जाए तो उसमें एटलीस्ट 2 चैप्टर अच्छे से पढ़ के और पैक करो, 2 का हो रहा है तो 1 चैप्टर को अच्छे से पैक कर दो पढ़ के कि भाई इसका दोबारा टेस्ट होगा या इसमें मेरे को मिनिमम रिवीजन की रिक्वायरमेंट है, बाकी तुम्हारे हाथ में। नहीं प्लानिंग करोगे ना अभी से तो बाद में बहुत दिक्कत आएगी, तुम सोच के देखो कि एक सब्जेक्ट में 30-30 चैप्टर हैं तुम्हारे पास, 30 × 3 = 90 होते हैं, समझे बात को तुम, एक चैप्टर को एक दिन में भी रिवीजन मारोगे ना तब भी 90 दिन चाहिए तुम्हें को रिवीजन करने के लिए, कैसे मैनेज करोगे फिर बाद में। तो टेस्ट को थोड़ा सीरियसली, इसीलिए तो टेस्ट ले रहे हैं यार, हम कोई पागल थोड़ी ना है कि मतलब टेस्ट लिए जा रहे हैं, पता नहीं तुम कैसे कैसे ले रहे हो इन चीजों को, हमें समझ ही नहीं आता है। मैंने पूछा कि
कुछ क्वेश्चन दिया था तुम्हें पता ही नहीं, आपको जैसे दिया है मैंने, तुम्हें पता ही नहीं है कि वो क्वेश्चन दिया था मैंने, मेरे को पता था जबकि मैंने कि वो सेंटर पे वेलोसिटी निकालने वाला क्वेश्चन दिया था नहीं दिया था, मेरे को एक और पता है मैंने एक और क्वेश्चन दिया हुआ रिंग वाला, तीन क्वेश्चन दिए थे, तीन दिए थे, किसी ने बोला ही नहीं क्वेश्चन दिए थे, मेरे को पता है कि क्वेश्चन दिए थे मैंने, ये वाला क्वेश्चन दिया होगा मैंने, ये था और लैम्डा कॉस थीटा, ये वाला क्वेश्चन दिया होगा मैंने, मीडियम फिल कर रखा है, दिया था ना, क्योंकि मेरे को पता है कि मैंने बता दिया था आपने, तीन क्वेश्चन चले गए तुम्हारे, अच्छे अच्छे वाले, अच्छे वाले तीन क्वेश्चन चले गए तुम्हारे हाथ से, तो उधर तो बोलते हैं ना क्वेश्चन स्किप कहाँ हो जाते हैं, वो ऐसे हो जाते हैं, मैं पता नहीं तो था, कल आप बताओगे, हाँ मैं बताऊंगा, तुम पूछोगे तो बताऊंगा, नहीं पूछोगे तो नहीं बताएंगे, कल अभी तुमने आज बोला ही नहीं मेरे को क्वेश्चन दिए थे, तुम्हें पता ही नहीं था क्योंकि, या तो तुमने अटेम्प्ट नहीं किए थे, अटेम्प्ट नहीं किए होंगे क्योंकि कॉपी खोल के नहीं देखी होगी कि लास्ट क्लास में क्या पढ़ा है, इसलिए तुम्हें पता ही नहीं था क्या दिया है क्या नहीं दिया है। चलो खैर अभी आगे का पढ़ते हैं अपन, इसमें ना दो टाइप के फॉर्मूले बनते हैं, इसका ध्यान रखना है, ये थोड़ा अजीबो गरीब ही है, ये पहला वाला केस थोड़ा थोड़ा सा अजीब चलता है, ये इसमें क्या प्रॉब्लम है कि हाइट एज के बारे में कोई आइडिया नहीं होता कि कितनी हाइट तक हम जा सकते हैं, मिनिमम कितना ले सकते हैं और मैक्सिमम कितना है, तो एक फॉर्मूला तो ये बन जाता है, या फिर इसको याद मत रखना, ये वाला याद रखना, ये वाला, ये विदाउट अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला है कि हाइट एच कितना भी हो ये फॉर्मूला तो काम करेगा ही करेगा, बट अगर एच की वैल्यू बहुत कम है आर ई से, मतलब एच जो है वो लेस देन है आपका 0.01 आर ई से, 0.01 कितना हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 64 किलोमीटर, तो 64 किलोमीटर से अगर एच की वैल्यू कम है तो फिर अपन इसको अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं 1 प्लस एच अपॉन आर ई की वैल्यू माइनस 2, तो 1 माइनस 2 एच बाई आर ई लिखा जा सकता है, और जी के फॉर्मूले को जी एट हाइट एच को जी एम ई डिवाइडेड बाई आर ई स्क्वायर 1 माइनस 2 एच बाई आर ई लिखा जा सकता है, समझ आ गई बात ये, अच्छा जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर क्या होता है, सरफेस पे एक्सेलरेशन निकाला ना फर्स्ट ये जी एस होता है ये सर, अभी मैं हाँ आप थोड़ा ऐसा स्ट्रेटजी जैसा बताओगे बेटा, अपनी खुद की स्ट्रेटजी की होती है, देख नहीं नहीं वो तो है लेकिन ऐसे बेसिक की एक घंटा दो ऐसे कुछ भी मतलब थोड़ा अंदर फिल कर देंगे हमें जो करना है, अरे नहीं हो पाएगा, मैं तुम्हें बता देता हूँ कितनी टाइम टेबल तुम दूसरे के फॉलो नहीं कर पाते हो, खुद का ही होता है वो, सर आप एक एग्जांपल दो कि अगर और टेस्ट आपके से तो उससे हम कुछ एग्जांपल ये लो कि जिस दिन से तुम्हें पता लग जाए, देखो तुम क्या सोचते हो कि तुम्हें रिवीजन करने का टाइम मिलेगा, क्या लगता है तुम्हें बताओ क्या तुम्हें रिवीजन करने का टाइम मिलेगा, तो जो आंसर दो बताओ, मैं तुम्हें आंसर जो तुम आंसर दोगे उसको उस पर बताऊंगा कि क्या बोल रहे हो तुम और क्या है सही बात, टाइम निकालना पड़ेगा, नहीं नहीं न्यू मान लो कि चलो तुम्हारा 11th का 12th का सिलेबस खत्म हो गया, क्या तुम्हें रिवीजन करने का टाइम मिलेगा 11th और 12th का सिलेबस, नहीं सर अच्छा वैसे तो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, दोनों में से कोई एक ही साल का हो पाएगा दूसरी बार उसके थ्रू मिल पाएगा, ठीक है तो फिर कैसे रिवीजन होगा, क्या प्लानिंग होगी रिवीजन करने की, मान लो 6 चैप्टर का टेस्ट हो रहा है, 6 में से मिनिमम 3 चैप्टर आप बहुत अच्छे से करके पैक कर दो, समझे बात को, मैं मेरी स्ट्रेटेजी बताता हूँ, चलो तुम्हें मतलब तुम पढ़ता कैसे पढ़ाई करते हो मेरे को बता दीजिए, मैं मेरी स्ट्रेटेजी बताता हूँ, देखो
पढ़ाने के लिए भी बताता हूँ, मैं पढ़ता था तब भी बताता हूँ, पहले पढ़ाने वाली बता देता हूँ। अभी अभी मेरे को रोटेशन कम आता है, ठीक है, रोटेशन मेरे को कम आता है, तो मैं ये नहीं कि रोटेशन मेरे को कम आता है, मैंने ये कर रखा है कि रोटेशन मेरे को कम आता है तो बाकी चैप्टर मेरे को अच्छे आते हैं। इसका मतलब मैंने क्या कर रखा है कि बाकी चैप्टर को अच्छे से पढ़ के रखा हुआ है, तो रोटेशन कम भी आता है तो भी चल जाता है, समझ आ रही बात ये? हाँ सर। ना मैंने बाकी चैप्टर को अच्छा कर रखा है। अब जब मैं पढ़ता था, जब मैं कॉलेज की बात थी, तब हमारे, मैंने तुम्हें बताया होगा, पांच यूनिट होती थी हमारी, एक यूनिट में चार क्वेश्चन होते हैं, 16-16 नंबर की एक यूनिट होती है, 16x5 80 नंबर का टोटल पेपर होता था हमारा। तो क्या स्ट्रेटेजी रहती है, पांचों यूनिट को नहीं पढ़ता था मैं, पांच में से पहले मान लो एक यूनिट करी, फिर उसके बाद दूसरी करी, फिर तीसरी करी। अब तीन यूनिट कर तो ली, बट कॉन्फिडेंस ही नहीं आया कि तीन कर लिए, तो तीनों को पहले रिवाइज कर लेता था, ठीक है, फिर इतना इंश्योर कर लेता था कि ये तीन मेरी बहुत अच्छी हो गई है, इसमें से क्वेश्चन आएगा तो मेरा गलत नहीं होएगा, ठीक है। अब तीन इंश्योर होने के बाद मैं फोर्थ पे आता था, फोर्थ पढ़ने के बाद मैं फोर्थ को फिर रिवाइज करता था, किस चीज को इंश्योर करने के लिए कि फोर्थ में से कोई गलत ना हो। लास्ट एक बची फाइव में से मैं आधा पढ़ लेता था, 4.5 यूनिट में एकदम अच्छे से करके जाता था, तो आधी यूनिट आधा पोर्शन है वो मैनेजेबल है, वो दब जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अपने को कौन सा 80 में से 80 लाने होते थे, 80 में से अपना टारगेट है कि 60, 65, 70 आ जाए, खत्म। समझे बात को तुम, क्या करना चाहिए? अभी जब पढ़ रहे हो ना, जब तुम टेस्ट दे रहे हो, वो टेस्ट एक बहाना है तुम्हारे रिविजन करने का। तुम क्या करो, टेस्ट आया तो एटलीस्ट 6 चैप्टर का है, 3 चैप्टर अच्छे से निपटा लो उसमें, बाकी 3 चैप्टर रहा ना, ठीक है, 3 चैप्टर अगली बार निपटा लेना उसमें से। ऐसे तुम एक मंथ में कितने टेस्ट दे रहे हो, 2 टेस्ट दे रहे हो, 2 टेस्ट में तुम 2-2 चैप्टर, एक सब्जेक्ट के 2-2 चैप्टर, मतलब टोटल 6 चैप्टर भी मान के चलो, है ना। और आगे मान लो कि तुम 4 मंथ तक और टेस्ट दोगे, तो 4x8 कितने हो गए टोटल, 8 टेस्ट हो गए तुम्हारे एडवांस के, कितना हो गया, 48 चैप्टर कंप्लीट हो गए तुम्हारे, 48 चैप्टर कंप्लीट हो गए तुम्हारे, मतलब ये मान लो कि कितना परसेंट सिलेबस कवर हो गया 90 में से, आधा तो वैसे ही कवर हो गया टेस्ट में ही। टेस्ट ही तो बहाना है बेटा रिवीजन करने का, तुम उसी को लाइटली ले जाते हो, उसकी तो तैयारी नहीं करते हो तुम, तैयारी करते हो तुम, होमवर्क करते हो, स्कूल का होमवर्क करते हो, पता नहीं क्या कहाँ टाइम लगाते हो तुम, बाकी जहाँ लगाना चाहिए वहाँ कम लगाते हो, जहाँ नहीं लगाना चाहिए वहाँ ज्यादा लगा देते हो। क्या करना है, अभी भी 7 दिन, कितने दिन है अभी, 7-8 दिन तो हो गए हैं वापस, अगले इसको थर्सडे को ट्यूसडे को थर्सडे 7 दिन है टोटल, 7-8 दिन है, 2 दिन में रिकॉर्ड पूछना है। जैसे कोई चैप्टर है वो टफ लग रहा है तो पहले उसके नोट्स अच्छे से पढ़े ना, पहले देखो पढ़ने का तरीका ये, नोट्स को अच्छे से रिवाइज करो, नोट्स के क्वेश्चन जो हैं उनको लिख लिख के देखो, है ना, और जब लिख रहे हो तो ये थोड़ा माइंड में रखो कि ऐसा क्यों करवाया था हमें, और इस क्वेश्चन में ऐसा क्यों पूछा गया, ऐसा क्यों करना है, थोड़ा माइंड में वो बनाया करो कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। जब ऐसा माइंड में बनना लगेगा तब फिर जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन लगा के देखो कि आपसे बन रहे नहीं बन रहे क्वेश्चन, ठीक है, तब रिवीजन होगा प्रॉपर। क्वेश्चन नहीं लगाओगे तो रिवीजन नहीं हो पाएगा, क्वेश्चन लगाना जरूरी है। और पीवाईक्यूज करना स्टार्ट कर दो, पीवाईक्यूज करना स्टार्ट कर दो हर चैप्टर के, चाहे टीचर बोलवाए या नहीं बोलवाए, बहुत जरूरी है,
क्योंकि एट द एंड ऑफ हर पेपर में दो क्वेश्चन तुम्हें पीवाईक्यू से मिल जाएंगे, दो भी मान लो तीन भी मान लो, तो ये तीन क्वेश्चन बोनस की फॉर्म में यूज होंगे तुम्हारे वहां पे, 12 नंबर बहुत मायने रखता है। एक सब्जेक्ट में 12 नंबर, तीन में कितने हो गए हमारे पास, 36 नंबर एक्स्ट्रा आएंगे तुम्हारे। पीवाईक्यूज मत छोड़ो, बुक भेज दिए केमिस्ट्री में और मैथ्स कैपेसिटेंस खत्म हो गया। हाँ कैपेसिटेंस जैसे खत्म हो गया तो उसके कर ले, ऐसा दो चैप्टर खत्म हो गए। टेस्ट में पीवाईक्यू की तैयारी करो ना, एक तो वही सोर्स होता है, पीवाईक्यू की तैयारी करो टेस्ट में, हर टेस्ट में तो आपको पता लगेगा ना कि जेई, देखो एक तो आपको ये पता लग जाएगा कि जेई में कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, दूसरा आपको पता लग जाएगा कि आपकी और कितनी तैयारी करनी बाकी है आपको, फिर वो खत्म हो जाए तो आपके जो असाइनमेंट है वो लगा के देख लो। कैसे करोगे तुम, पूरे पूरे चैप्टर थोड़ी ना रिवाइज कर सकते हो, और थोड़ा पढ़ो ना तो माइंड में रख के पढ़ो बेटा, अब टाइम नहीं बचा यार, टाइम बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है कि मैनेज हो जाएगा, अगर अभी नहीं संभले ना तो टाइम ऐसे चला जाएगा पता ही नहीं लगेगा तुम्हें क्या हो गया क्या नहीं हुआ है। थोड़े दिनों बाद पता लगेगा कि अब एग्जाम आ गए, पहले तो तुम्हारे कौन एग्जाम आएंगे, प्री बोर्ड, ठीक है, पहले तो तुम प्री बोर्ड में फंसोगे, फिर तुम्हारे आएंगे प्रैक्टिकल्स, फिर तुम्हारे प्रैक्टिकल में स्कूल की बात बता रहा हूँ, फिर तुम्हारे वो प्रैक्टिकल के साथ में तुम्हारे वो क्या कहते हैं फाइल, असाइनमेंट और फाइल, उसमें फंसोगे तुम, ठीक है ना, और किसमें फंसोगे, फिर तुम उसमें एनुअल एग्जाम आएंगे तुम्हारे। अब एनुअल एग्जाम आने का तरीका ये होता है कि पिछली बार लास्ट टू लास्ट ईयर मार्च में स्टार्ट होते हैं तुम्हारे सीबीएसई वालों के, होते हैं ना मार्च में स्टार्ट, और मार्च से पहले तुम्हारा जनवरी में का एग्जाम हो जाता है। अब जनवरी में जब हो ना तब तुम दिसंबर एंड तक तुम प्रैक्टिकल और प्री बोर्ड में फंसे रह जाओगे, और जनवरी में तुम्हारा एग्जाम आ जाएगा, तो इसका मतलब तुम्हारे जो जेई की तैयारी है ना वो तो नवंबर में जितनी हो गई नवंबर तक उतनी हो गई, बाकी फिर भूल जाओ, दिसंबर में कोई तैयारी होगी। नवंबर तक तुमने जितनी तैयारी कर ली वो फाइनल मान लेना, उसके बाद दिसंबर में टाइम नहीं मिलेगा तुम्हें तैयारी करने का, बिल्कुल नहीं मिलेगा। नवंबर में कितने कितने महीने बचे हुए हैं, जून आ गया ना, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 5 महीने बचे हैं बस। डमी वालों को प्रैक्टिकल्स नहीं देना होता ना, डमी वालों को थोड़ा रिलैक्सेशन मान लो, नहीं प्रैक्टिकल तो तुम्हें भी देने पड़ेंगे, फाइनल तो फाइनल प्रैक्टिकल देने तो जाना पड़ता है भाई, लेकिन ये लोग अभी कुछ करवा नहीं रहे, कुछ करवाएंगे नहीं, वो बाद में लास्ट में बुलाने के तुम्हें प्रैक्टिकल करवाने बुलाते हैं, फिर प्रैक्टिकल करवाने जाना भी सीखने भी जाना पड़ेगा और फाइनल एग्जाम देने भी जाना पड़ता है। सर ये गुजरात बोर्ड की कब होती है एग्जाम फाइनल, गुजरात बोर्ड की एग्जाम मार्च, शायद मार्च के मिड या मार्च के लास्ट में स्टार्ट होती है, गुजरात बोर्ड की मार्च के मिड या लास्ट में, पर सीबीएसई वालों को एक नुकसान है, एक महीने तक एग्जाम चलता है उनका, छुट्टियां दे दे के परेशान होते हैं वो, हमारे एक हफ्ते में खत्म, और गुजरात बोर्ड वालों का 7 दिन में एग्जाम खत्म हो जाएगा, 7 नहीं तो 12-15 दिन में खत्म हो जाएगा, सीबीएसई वालों को एक महीना खराब करेंगे वो एग्जाम में। इसके प्री बोर्ड्स का या बोर्ड्स का, फाइनल एग्जाम बोर्ड्स बोर्ड कैसे दी थी तुमने, तो सर हमको इतना कम टाइम मिलता है ऐसे मतलब पेपर के बीच में, हाँ तुम्हारी छुट्टी कम होती है, तुम्हारे या तो एक या दो दिन की मैक्सिमम छुट्टी होती है बस, इससे ज्यादा नहीं होगी तुम्हारी, पर सीबीएसई वालों के 8-8 दिन की छुट्टियां आ जाती है, नहीं थी वो एसएसटी में एक हफ्ते ये लटके रहते हैं फिर बीच में, नहीं इधर के ना उधर के ये बस लटके रहेंगे बीच में फिर ये। करें इसे कंटिन्यू करें,
यहाँ पे जी एस जी एच जी एच के दो फॉर्मूले हो गए हैं। पहले इस वाले फॉर्मूले को भी मैं वापस लिख रहा हूँ, इस वाले फॉर्मूले को भी, इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, जी एस मल्टीप्लाई वन प्लस एच अपॉन आर ई की पावर माइनस टू माइनस टू। ये तो एक फॉर्मूला हो गया, ये तो इन जनरल फॉर्मूला है जो लगेगा ही लगेगा, बट अगर स्पेशल केस दे रखा हो, एच इज लेस लेस देन आर ई दे रखा हो, तो आप जी एस का फॉर्मूला ये यूज कर सकते हो, जी एस नहीं जी एच, जी एस वन माइनस टू एच बाई आर ई। ठीक है, समझ आ गई बात? ये के बाद दूसरा वेरिएशन करते हैं। दूसरा वेरिएशन वेरिएशन ड्यू टू डेप्थ डेप्थ डी है ना, डेप्थ सरफेस से एक गोला, गोला क्या मतलब अर्थ, और अर्थ के अंदर तुम सुरंग खोद के अंदर आ गए ठीक है, आप सरफेस से अंदर आ गए हो, कितना अंदर आ गए हो, डी अंदर आ गए हो, तो ये कितना बचेगा यहाँ से यहाँ तक, आर ई माइनस डी, आर ई माइनस डी बचेगा। ठीक है, अब आपको इस आर ई माइनस डी पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो सॉलिड स्फीयर का पता है फॉर्मूला क्या होता है अंदर, gm small r in by r cube, gm small r divided by r e cube, r क्या होता है वहां पे सेंटर से डिस्टेंस, हां सर, यहां पे r की वैल्यू r e minus d है, तो g equal to कितना हो जाएगा, gm e divided by r e cube multiply r e minus d, इसमें से r e को कॉमन ले लो, तो g at depth d इक्वल टू हो जाएगा जी एम ई डिवाइडेड बाई आर ई स्क्वायर इंटू वन माइनस डी बाई आर ई। इस जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, जी एस, जी एस, इसमें कोई अप्रोक्सीमेशन की जरूरत नहीं है ना, इसमें कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं है, ये एक ही फॉर्मूला है जो डेप्थ के लिए काम करेगा। ठीक है, हाँ सर, सर अभी आप एक चीज बोलोगे कि एक बात नोटिस करो, जी सरफेस से ऊपर जाओ या नीचे जाओ कमी होता है, नहीं हम नहीं बोलेंगे, बस आप बोलने वाले थे हम ग्राफ बनवा देंगे इसका, पर वो एक ही बात हुई, ग्राफ तो वही होगा ना सॉलिड स्फीयर का, सॉलिड स्फीयर का जो ग्राफ होगा वही इसका ग्राफ होगा, सॉलिड स्फीयर ये अर्थ आपका एक सॉलिड स्फीयर ये और कुछ नहीं है, और अमन टन्ना ने जो बात बोली है वो मान लेना यहाँ पे कि चाहे ऊपर जाओ या नीचे जाओ जी की वैल्यू कम होती है, सरफेस पे सबसे ज्यादा होता है, बस आपने 11th में बोला था बोर्ड क्लास में, बोला था क्या हमने ऐसा, हाँ बोला था, ठीक है ये नोट कर लो फिर रिजॉइन करते हैं अपन, हां सर नोट करते हैं, आर इज इक्वल टू आर ही है ना, हां हां आर इक्वल टू आर ही, हां इसके अर्थ के लिए तो आर इक्वल टू आर ही। सर फिर आप कॉलेज के बारे में थोड़ा बताओ ना, आपके आपके कॉलेज के बारे में थोड़ा बहुत, कॉलेज में भी मरवानी पड़ती है, जो लोग कहते हैं ना कि कॉलेज जाके रिलैक्स है, कोई रिलैक्स नहीं होता है, कॉलेज जाके रिलैक्स हो सकता है बट फिर आगे आपको जॉब का भी सोचना होता है, समझे ना बात को, वहाँ पे भी मैटर करता है कि आपकी सीजीपीए कितने हैं, कुछ कंपनी ऐसी होती है जो 7.5 सीजीपीए से जिसके कम होते हैं उसको इंटरव्यू में ही नहीं बिठाती है, तो आप ये तो लग जाएगी लंका, 7.5 से कम है तो इंटरव्यू में नहीं बैठ पाओगे, सीजीपीए वो किसी कहीं पे सीजीपीए चलता है कहीं पे वो
परसेंटेज चलता परसेंटेज है, चलता है मतलब वो परसेंटेज ऐसा कुछ परसेंटाइल वो कुछ ऐसा चलता है ना। ऐसा मान लो ना तुम तो कि ये 75% मान लो, बस ऐसे समझ लो। कोई कोई कंपनी का क्राइटेरिया होता है कि अगर आपका कोई बैकलॉग है तो आप इंटरव्यू में नहीं बैठोगे, बैकलॉग मतलब फेल हो गए हो इसी सब्जेक्ट में, आप फेल हो जाते हो तो दोबारा एग्जाम देना पड़ता है। अगर आप सर मतलब ये कॉलेज की स्टडीज डिफिकल्ट होती है ये जेई से भी? जेई से डिफिकल्टी होती है क्योंकि वहाँ पढ़ाने वाले मिलेंगे आपको कम, इतना टीचर को इतना मोह नहीं होता है कि वो बच्चों को मन लगा के पढ़ाए। मेनली बात ये, उनको ये मतलब नहीं है कि तुम पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे, उनको उनका काम करना होता है, वो काम करके निकल लेते हैं बस खत्म। आपको पढ़ना है तो पढ़ो, पढ़ोगे तो पास होगे, नहीं पढ़ोगे तो फेल होगे, फेल होगे तब भी उनको कोई मतलब नहीं है, पास होगे तब भी उनको कोई मतलब नहीं, पास होगे तो तुम्हारी नौकरी लगेगी, फेल होगे तो उनके बाप का तो कुछ जान ही रहा है। इसलिए पढ़ना तो वहां पे भी, मरवानी तो वहां पे भी पड़ती है ढंग से। सर फर्स्ट ईयर से लेके लास्ट तक की मतलब पहला साल ऐसे जा सकते? अच्छा पहला साल में बता रहा हूँ ना, देखो 11th में जितने मजे मारोगे 12th में उतनी मेहनत करनी पड़ती है, वहां पे भी यही सीन है, जितना शुरू में मजे मारोगे उतना लास्ट में दिक्कत आएगी, क्योंकि फिर लास्ट में वो एग्रीगेट निकलती जाती है। कैसे अभी रिज्यूम करो फिर तुम्हें बताता हूँ एक तरीका जिससे एग्रीगेट कम हो जाती है। एग्रीगेट क्या होता है रिज्यूम करो एक बार।